मुंबई दिन ब दिन तरक्की करते जा रही है, तरक्की भी ऐसे कि लोगों के जिसमें आहें लगी हुई है। किस तरह महिला बीएमसी और बिल्डर को कोस रही है, लोगों से कर रही है गुजारिश कि लोग जाग जाए, नहीं तो जैसे ये फंसी है वैसे आप भी फंस सकते हैं। जिसने पूरी जिंदगी अपने परिवार के साथ मुंबई में निकाली और तिनका तिनका जोड़ अपने आशियाने को बनाया, आज उसकी उम्र लगभग 70 की हो चुकी है। इस उम्र में भी सोची थी कि अब अपने परिवार के साथ आराम से जिंदगी बिताएंगी, लेकिन उसे क्या पता था कि इस उम्र में भी उसे सरकार के साथ अपने आशियाने के लिए मुकाबला करना पड़ेगा। मेरा नाम पुष्पलता नारायण गावंड। मेरा घर बीएमसी वाले ने 4 फरवरी को सील किया। घर घर में हम कोई नहीं रहते, हाजिर नहीं थे, सब लोग काम पे इधर उधर गए थे, घर में कोई नहीं था। ऐसे टाइम में हमारे घर का ताला तोड़ के वो लोगों ने हमारा सब सामान निकाल के वो सामान दूसरी जगह शिफ्ट करके सील किया। वो दूसरी जगह पे भी सील किया, हमारे घर को भी सील किया। उसके बाद 24 तारीख को हमारा घर पूरा तोड़ डाला। ये कहाँ की घटना का है, एड्रेस बताएंगे आप? हाँ, GD अम्बेकर मार्ग परेल भोईवाड़ा 6 से 4। हमने हमने उसको कोई अगेंस्ट नहीं किया था, मैंने कोई भी अगेंस्ट नहीं किया था कि मेरा अगेंस्ट है। ये अगेंस्ट किया होता तो आज 6 साल हो गए मैं इधर आके ट्रांजिस कैंप में क्यों रही थी। रूम बोले तो मेरा एक बेटा उधर ही रहता था, पूरा घर ही उधर था मेरा। मेरा और बिल्डर का बातचीत चल रहा था, वो मेरे को ये बोल रहा था कि तुमको मैं सब देगा। मैं उसको यही बोली थी, मेरे को पूरा हिसाब मेरा दे दो, एग्रीमेंट मेरे को दे दो, मैं उठने को तैयार हुआ, और बाद में तुम तो उठ डालो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद भी इसने वो तो बेचारा मर गया, अभी वो तो नहीं है, अभी कौन है क्या है उसका बेटा है। अभी कोई बोलता है उनका बेटा संभालता है, कोई बोलता है उनका भाई संभालता है, उसमें हमको कोई बराबर से मालूम नहीं। मगर बेटे के साथ में मेरी एक दो दफे ये चर्चा भी हो गई, वो भी बोलता है। अभी तो उसने ऐसा किया कि फोन ही उठाना बंद किया, फोन नहीं उठाता, रिमाइंड करते ये बच्चे लोग को कुछ मैसेज छोड़ता। ये लोग आए, मेरा सब सामान निकाला, ताला तोड़ा, सब सामान निकाला और गाड़ी में भर के किधर लेके गए, सामान लेके गए किधर, उसमें मेरा सब गए ना। पंचनामे की कॉपी मेरे को अभी तक नहीं दी, आज तक नहीं दी। मेरा वो कबड़ है, कबड़ में मेरा पैसा गहना सब कुछ है, मेरे को बताया नहीं। मगर वो लोग मेरे को बोलते हैं हमने 8 दिसंबर या कभी तो लगाया था नोटिस, लगाया होएगा तो मालूम नहीं, क्योंकि मेरे घर में दिन भर कोई रहता नहीं। छोटा 10वीं को है, अभी अभी एग्जाम चालू है उसकी, उसको मैंने इनके घर में, मेरे छोटी के घर में रख दिया है, दूसरे के ट्रांजिस्ट कैंप भी नहीं दिया और एग्रीमेंट भी अभी तक नहीं, हमको कुछ भी नहीं दिया है। और ऊपर से हमारे वो घर पाड़ के हमको ये इतना ये कर रहे हैं, हरेशमेंट कर रहे हैं। और ये जो सामान लिया, मैं वो सामान के बारे में पूछने गए तो मेरे को बोले एक एप्लीकेशन लिख के दो, मैंने उधर एप्लीकेशन भी लिख के दिया कि बाबा मेरा सामान मेरे को वापस दे दो, हमारे पास कपड़े नहीं है बदन पे हमारे। तो उसके बाद उसने मेरे को और एक लेटर दिया कि 8,947 रुपीस आप भरो और तुम्हारा सामान लो। अभी पैसा भर के भी, मैंने शुक्रवार को पैसा भरा है मेरे पास अभी भी, और अतिरिक्त और अभी तक सामान भी आज दे तो बोले थे, इसलिए हम लोग सब आए तो कोई सामान भी नहीं, वो लोग बोलते हाजिर नहीं। अभी तो मेरे को यही लगता है कि ये सब चीटिंग ही हो रहा है। और मैं महाराष्ट्र शासन से लेके उप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ये लेटर मेरे को 2006 में दिया, 1 मई 2006 ये लेटर दिया था, किसको इसको कर दिया था। मैं तो पहला सबसे पहला बीएमसी को टारगेट करेंगी, क्योंकि बीएमसी वाले हरामी है, वो बार बार आके हमको बातें करने ही नहीं देते और हमारी बातें सुनते नहीं। और बिल्डर क्या बोलता है, बीएमसी देगा वो हम करेंगे, बीएमसी मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो कॉन्ट्रैक्टर का क्या चलता है। मैं सरकार को और बीएमसी को बोलता है मेरा घर है, मेरा खुद का है, जितना है उतना मेरे को मिलना चाहिए, मेरा दुकान और मेरे घर। और ये देख के इनके ये नहीं होता है तो बिल्टअप का उसका पूरा हिस्सा ये क्लियर नहीं होता तब ओके, फेज 2 का काम चालू नहीं होता तब तक ये स्थगित रखो, इसको हाथ नहीं लगाने का, फिर भी मेरा घर आज तोड़ा। मैं बीएमसी को पहले ये कहेंगी कि ये हरामीगिरी करने का छोड़ो,
मेरे को अभी बहुत तकलीफ होता है तुम्हारी हरामगिरी से। अब मैं कुछ क्या करूँ और क्या नहीं। मैं 72 ईयर्स ओल्ड लेडी हूँ और 89 से मैं इस प्रोजेक्ट के लिए झगड़ रही हूँ कि मेरे को ऐसा मेरा दो, मैं दूसरा कुछ नहीं मांग रही हूँ उनसे। मेरा है वैसा उतना मेरे को चाहिए और अगर वो नहीं देते तो मेरे को चाहिए नहीं। जैसा था मेरा घर वैसा बना के दो मेरे को, नहीं चाहिए कोई किसका डेवलपमेंट ही अभी मुझे नहीं चाहिए। मैंने डेवलपर को भी कभी तंग नहीं किया, कभी उसके खिलाफ मैं गई नहीं, कुछ भी नहीं किया। चलो तुम बोलते वो सुनील माने जो डेवलपर पहला था वो मेरे को बार बार बोलता था ताई तुम चुप बैठो, तुम्हारा पूरा काम मैं करेगा, ताई तुम चुप बैठो। मैं बोलती जाने दो अपना बच्चा है करेगा मारा। मैं ये सोच के करती थी कि ये एक महाराष्ट्रियन लड़का है और महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन लड़का इतना अच्छा अगर काम करता है तो उसको करने को बढ़ावा देना चाहिए, इस हिसाब से मैं करती थी। मगर उसने भी मेरे साथ हरामीगिरी करी। अब ऊपर से नीचे तक सब साले गधे बिके हुए है, मैं तो ऐसा ही कहूँगी। अभी मैं तो जनता को यही संदेश दूंगी कि सब जिसका जिसका ऐसा तकलीफ में है वो सब इकट्ठे आवे और ये महाराष्ट्र शासन के ऊपर जाके हल्ला बोले। मेरा रूम नंबर 3 है, मेरा यहाँ पूरा उसका पेपर है, मेरे 95 से लेके वोटिंग कार्ड से लेके मेरा रेशनिंग कार्ड 84 से है। और उनको जो डॉक्यूमेंट चाहिए मतलब 95 से लेके वोटिंग कार्ड, मेरे बच्चों का वोटिंग कार्ड है, मेरा है, मेरे बच्चों का। रूम नंबर 3 का पोजीशन दिया नहीं है रूम नंबर, और उसमें भी वो लोग दो तीन दिन पहले गए हफ्ते में तोड़ने को आए थे तो हम लोगों ने उनको विरोध किया, बोले नहीं हम ये तोड़ने देंगे नहीं, हमको उसका नोटिस दो, ट्रांजिट कैंप में हमको अलर्टमेंट लेटर दो और एग्रीमेंट दो, बाद में तोड़ो। तो अभी तक तो वो कोई आए नहीं, दो बार आए हम लोग उधर को देख बैठे देखा वो वापस गए। उधर उनका कॉन्ट्रैक्टर को हमने बोला कि तुम हमको ये करके दो, हमारा बीएमसी को लेके आओ ऑफिसर को कोई भी और उनको बोलो कि हमको दे दो। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं तुम तोड़ दो, वो उनका तोड़ देने का है, उनको रखने का ही नहीं है। और वो कोई बीएमसी वाला आया नहीं, हमारे ये हमारा कोई इंक्वायरी नहीं किया और हम मेरे को अभी रूम भी नहीं दिया है। मैं जितना भी डेवलपमेंट चालू है ना उधर सब यही प्रॉब्लम हो रहा है कि ये यप साउथ वाले बहुत तकलीफ दे रहे हैं। हर एक डेवलपिंग के डेवलप एरिया चालू है ना उधर सबका तकलीफ यही है कि वो बीएमसी वाला उनको बिल्डर से पैसा करके बिल्डर को सपोर्ट कर रहे हैं और पब्लिक को ये जैसे कि ये पब्लिक मरने दो, वो किसी भी पब्लिक का वैल्यू ही नहीं है उनको, वो कोई मरा या जिया उनको कोई ही नहीं, वो बीएमसी सबको तकलीफ दे रही है। वो 200 साल पुराना है, आज तुम तोड़ेंगे तो कितना तकलीफ होता है। आज तेरा घर कोई आके तोड़ेगा तो तू क्या करेगी। और मैं तो बोलती हूँ मेरे को जो कभी चांस मिला ना तो मैं उसके कान के नीचे एक खींचेगी, इतना हम लोगों को उसने तकलीफ दिया है। ये कहानी अब आम बात हो चुकी है, सभी की ये कहानी नजर आ रही है, इसलिए सरकार मुंबई वासियों पर हो रहे अत्याचार को आंख बंद कर देख रही है। जल्द ही सरकार ने कुछ ना किया तो ये जनता भी अपनी आंख बंद कर लेगी तो सरकार ही नहीं दिखेगी।